सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से सीताराम की सवारी आज शाम ढोल नगाड़े के साथ मेला स्थल रूपबास स्थित रूपहरि मंदिर के लिए रवाना हुई। सवारी रवाना होने से पहले भगवान सीताराम की महाआरती हुई और ढोल नगाड़े और हरे रामा हरे कृष्णा की ध्वनि के साथ भगवान सीताराम जी महाराज को रथ में विराजमान कराया गया, जहाँ भगवान सीताराम महाराज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी जगन्नाथ मंदिर से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रूपबास स्थित मेला स्थल पर पहुंची, जहां पर भगवान सीताराम को रूपहरि मंदिर में विराजमान कराया गया। पंडित राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सुबह रामधुनि का समापन हुआ और उसके बाद मंदिर पर झंडा रोहण किया गया। उसके बाद मंदिर के पट खुले, जहां भगवान जगन्नाथ महाराज ने दूल्हे के रूप में भक्तों को दर्शन दिए। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया और शाम को भगवान सीताराम की सवारी सुभाष चौक से रूपबास स्थित मेला स्थल के लिए ढोल नगाड़े के साथ रवाना हुई। कल शाम को भगवान जगन्नाथ महाराज की सवारी मंदिर से रवाना होकर रूपबास मेला स्थल पर पहुंचेगी। उसके बाद मेला शुरू हो जाएगा।